प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। क्रूस पर लटका दिया, श्रापित तुझको माना गया, हमारे अधर्मों के कारण यीशु तो कुछ तुझको माना गया, हमारे अधर्मों के कारण यीशु तू कुछ ला गया। वध हुआ मेमना, धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा आज का संदेश इवेंजलिस्ट रमेश चौधरी उमारियप्पन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सभी प्यारे भाई बहनों को विनम्रता पूर्वक जय मसीह की। आइए आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल का एक भाग भजन संहिता 102 के 25 को हम मनन करें। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। यह पद प्रारंभिक सृष्टि के बारे में बताता है। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय के पहले और दूसरे पद में लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। बेडौल और सुनसान होने का मतलब है खंडहर और कबाड़ की स्थिति में होना। क्या परमेश्वर ने पृथ्वी को बेडौल और सुनसान बनाया था? क्या परमेश्वर बेडौल और सुनसान चीज़ें बनाते हैं? कदापि नहीं। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रारंभिक पृथ्वी आदम से पहले की पृथ्वी के साथ निश्चित तौर पर छेड़छाड़ किया गया था, क्योंकि उस समय की पृथ्वी बेडौल, सुनसान, खंडहर, कबाड़ और अंधकार में हो गई थी। जबकि परमेश्वर ने उस समय की पृथ्वी को बहुत खूबसूरत बनाया था, जो हर प्रकार से सिद्ध और परिपूर्ण थी। परमेश्वर ने उस पृथ्वी को स्वर्गदूतों का निवास स्थान होने के लिए बनाया था, और स्वर्गदूत भी परमेश्वर की महान सृष्टि हैं। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरूजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत जैसे रत्नों से बनाया था। स्वर्गदूतों में से एक महान स्वर्गदूत लूसीफर की भी परमेश्वर ने रचना की थी, परंतु लूसीफर के मन में घमंड आ गया और उसने कहा, मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तब परमेश्वर ने लूसीफर को उसके घमंड के कारण उसको पृथ्वी पर पटक दिया। तब लूसीफर शैतान बन गया और उस पृथ्वी को तबाह कर दिया। उसी समय पृथ्वी बेडौल, सुनसान एवं अंधकार में हो गई। शैतान का विद्रोह पृथ्वी के विनाश को लेकर आ गया और अंततः उस पृथ्वी पर मृत्यु का प्रवेश हो गया, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान की अवस्था में पहुंचते हुए पुनः निर्माण के लिए तैयार हो गई, और इस प्रकार पाप और मृत्यु का उद्भव हुआ। और शैतान अपनी पापमय दुनिया के साथ वहां पर निवास करने लगा। इसके बाद जब परमेश्वर ने नई सृष्टि का निर्माण किया,
तो उसके ऊपर अधिकार करने के लिए आदम को नियुक्त किया। परमेश्वर को ये बात मालूम थी कि उस नई सृष्टि के बाहर शैतान और उसकी पाप में दुनिया का शासन है, जिसका फल मृत्यु है। उत्पत्ति 2:16-17 में लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आदम की अनाज्ञाकारिता ही शैतान की पाप में आत्मिक दुनिया, जिसका फल मृत्यु था, प्रवेश होने का कारण बन सकती थी। इसलिए परमेश्वर ने आदम को सावधान किया था कि तू भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल ना खाना, नहीं तो मर जाएगा। इस प्रकार जब आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, तब शैतान अपनी उस पाप में आत्मिक सेना के साथ उस नई सृष्टि में प्रवेश किया। रोमियों की पत्री 5:12 में लिखा हुआ है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। इसी कारण पूरी दुनिया का हर एक इंसान पापी है और उसका दंड है मृत्यु। इसी कारण सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं आज से 2000 साल पहले एक इंसान बनकर, सृष्टि बनकर इस दुनिया में उतर आए। उनके इस दुनिया में उतरने का कारण ये था, पापी मनुष्य जाति को उसके पापों से छुड़ाना। बाइबल कहती है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए मर गए और गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, पापियों की सजा को, पापियों के पापों की सजा को अपने ऊपर लिया, और पापियों के पापों की कीमत को अदा करके प्रभु यीशु मसीह जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान हैं और इस पृथ्वी पर फिर से आने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक मनुष्य जाति को उसके पापों से बचने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। चुनाव आपके ऊपर है, क्या आप एक अनंत काल के जीवन को चुनेंगे या अनंत काल के लिए मृत्यु को? निर्णय आपको करना है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आमीन।